वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन को हम पाई फंक्शन भी बोलते हैं, गेट फंक्शन भी बोलते हैं और रेक्ट फंक्शन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू रेक्ट ऑफ स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, ओके। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू रेक्ट ऑफ स्मॉल टी बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए होती है। कब? जब अपना स्मॉल टी मीन्स जो अपना टाइम होता है वो माइनस टी बाय टू से टी बाय टू के बीच में हो, ओके, और ज़ीरो होता है अदरवाइज। इतना क्लियर है? यहाँ पे जो ये ए होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है रेक्टेंगुलर पल्स का। और ये जो टी है वो क्या होता है, मीन्स जो ये कैपिटल टी आपको दिख रहा है, ओके, वो कैपिटल टी क्या है, पीरियड ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स, और इसको और क्या बोला जाता है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। इज इट क्लियर? सो देखिए अब इस रेक्टेंगुलर पल्स का हम ग्राफ देखेंगे। ये क्या है, एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटू रेक्ट ऑफ स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, ओके, और इधर क्या रहता है, टी। सो मैंने बोला ना आपको, ये जो टी की वैल्यू है, स्मॉल टी की वैल्यू, वो अगर माइनस टी बाय टू से टी बाय टू के बीच में रहेगी तो अपना जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल टू ए, ओके, इक्वल टू ए। इक्वल टू ए मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन क्या होगा, ए होगा। सो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, और इसका विड्थ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस टी बाय टू से टी बाय टू है तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, टी। टोटल विड्थ क्या होगी, टी हो गई। सो एरिया निकाल लेंगे हम। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड दैट इज ए इंटू विड्थ, विड्थ क्या है, टी, तो ए इंटू टी हो गया। इतना क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स के बारे में। सो यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स में ये जो यूनिट होती है, ये जो यूनिट लिखा हुआ है वो क्या डिनोट करती है, कि जो अपना एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। मींस एरिया ऑफ अ यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स शुड बी वन, ओके, एरिया ऑफ यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स शुड बी वन, वन होना चाहिए। अभी हमने देखा कि एरिया क्या होता है, अपना एरिया, एरिया होता है ए इंटू टी, इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, एरिया, एरिया, ओके, ए इंटू टी। ए मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन और टी मीन्स विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स, ओके। सो ये एरिया क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो ये वन कब होगा, जब ए की वैल्यू भी क्या हो जाए, वन हो जाए, और टी की वैल्यू भी क्या हो जाए, वन हो जाए, तभी ये वन होगा। इतना तो कन्फर्म है। तो अभी हमने देखा रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते थे, ये रहा। अब यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन के केस में ए इक्वल टू वन करना है और टी इक्वल टू क्या रखना है, वन रखना है। तो रख दीजिए बस इसी फंक्शन में, जहां जहां ए दिखे वहां वन रखिए, टी दिखे मीन्स कैपिटल टी जहां पे दिखे वहां पे भी वन रखिए। तो वन रख दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा वन इंटू दिस, वन इंटू रेक्ट ऑफ टी बाय वन, डेट इज सिंपली क्या हो जाएगा, रेक्ट ऑफ स्मॉल टी, ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए, ए मीन्स यहाँ पे क्या है, वन, तो वन व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू वन बाय टू एंड जीरो अदरवाइज।
ओके इतना क्लियर है। अब चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये रहा ग्राफ, ये रहा टी, दिस इज रेक्ट ऑफ टी। ओके सो ये टी जब माइनस वन बाय टू से वन बाय टू के बीच में रहेगा, माइनस वन बाय टू से वन बाय टू के बीच में रहेगा, तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? वन। ओके मीन्स रेक्टेंगुलर फंक्शन जो होगा अपना वो आउटपुट क्या देगा? वन देगा फॉर द टाइम इंटरवल माइनस वन बाय टू से वन बाय टू। तो ये एक रेक्टेंगल फिल से फॉर्म हुआ। ओके फॉर्म हुआ। अब इसका एरिया वन आ रहा है कि नहीं ये भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया होता है अपना एम्पलीट्यूड क्या है? वन इंटू दिस विड्थ। विड्थ क्या है? माइनस वन बाय टू से वन बाय टू तक है, विड्थ क्या हो जाएगी? वन। ओके तो ये क्या हो गया? वन इंटू वन डेट इज वन, एरिया क्या आ गया? वन। अब ये देखिए ये जो अपना रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन होता है वो क्या है? जो अपना वाई एक्सिस है उससे सिमेट्रिकल है। ओके सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। सो बस इतना ही पढ़ना था हमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोज़।